जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं एवं 12वीं फाइनली वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री आ जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। तो सभी के लिए यहाँ पर मौका है, जो इसके सप्लीमेंट्री आएगी उनके लिए भी, जो डायरेक्ट फेल हो जाएंगे दो तीन सब्जेक्ट में उनके लिए भी मौका है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ सबसे बड़ी बात कि जैसे कि एक सब्जेक्ट में कक्षा 12 वाले फेल होते हैं तो उनके लिए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम है। मान लीजिए दो सब्जेक्ट में तीन सब्जेक्ट में हो जाते हैं तो आपका रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट वन, रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट टू के तहत आप पास हो जाएंगे। कक्षा 10वीं में आपको आपको एक सब्जेक्ट में होंगे तो आपको बेस्ट 5 बनना है जिसमें हाथ लगा रहेगा, तो आपको तो एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। या तो दो सब्जेक्ट में होंगे तो आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात बता दूं कि एमपी बोर्ड आपको चार चार पाँच पाँच ऑप्शन देता है। जैसे आपको वार्षिक परीक्षा दे दिया, सप्लीमेंट्री दे दिया, रीचेकिंग का ऑप्शन के लिए दे दिया, और आप रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट वन, रुक जाना नहीं परीक्षा पार्ट टू, मतलब कि एक ही साल में आपको 5 बार ऑप्शन मिलता है। बाकी बोर्ड में बिहार हो गया, यूपी, सीजी, ये सभी बोर्ड में नहीं मिलता है। तो एमपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हो। सबसे बड़ी बात बता दूँ कि आपका रुक जाना नहीं परीक्षा में आपको टाइम टेबल कब होने वाला है ये बताऊँगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको कब रिजल्ट आएगा और कब से फॉर्म भराएगा, सभी बातें इस बार वीडियो में आपको पहले ही बता देता हूँ, जो कि आपको रिजल्ट जारी होने के बाद आपको जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिलिप कर दें और बहुत सारे स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री आएगी। सबसे बड़ी बात बता दूँ, यहाँ पर देख सकते हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि 10वीं या 12वीं दोनों है साथ में ही, तो यहाँ पर देख सकते हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पूर्व परीक्षा 2024 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा 18 जुलाई से 27 जुलाई 2024 तक पूर्व परीक्षा का आयोजन करने की उम्मीद में है, जो कि आपके आदेश पहले आ चुका है। जो छात्र एक या दो विषयों में असफल होंगे उन्हें पूरक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और पूरक फॉर्म भरना बोर्ड कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2024 के लिए तिथि जून में 2024 में करेगा, जो कि जून में आपको फॉर्म भराएगा और यहाँ पर जुलाई में एग्जाम होगा। अब बता दूँ रिजल्ट कब आएगा, कितने में पासिंग मार्क्स है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सबसे बड़ी बात कि पूरक परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए पूरक प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे। जो छात्र अपने परीक्षा के लिए पूरक प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो सकेंगे। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास करने के लिए छात्रों के लिए कम से कम 33 अंक प्राप्त करने होंगे और अधिक जानकारी आपको आगे मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा आगे आपको जाओगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा की मुख्य बातें क्या क्या होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो यदि छात्र एमपी बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों से संतुष्ट है तो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन जो रीचेकिंग के कहते हैं उसकी बात किया जा रहा है कि मांग कर सकते हैं, जो कि रीचेकिंग का आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा के पेपर दोबारा चेक करवाने, जो कि रीचेकिंग कहते हैं, चेक करवाने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। ये आपको जो रीचेकिंग जिसे बोलते हैं उसकी बात किया जा रहा है, जो कि जिस जो स्टूडेंट्स काफ़ी लिखा है लेकिन उनका रिजल्ट कम आ गया वो अपना दोबारा चेक करवा सकते हैं। छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय शुल्क जमा करना होगा। प्रक्रिया में संबंधित जानकारी जल्दी एमपी बोर्ड वेबसाइट पर आपको आ जाएगी, जो कि आपको कितना पैसा लगेगा ये रीचेकिंग के लिए। बाकी मैं पूरक की बात कर रहा हूँ तो पूरक परीक्षा कार्यक्रम में आगे भी दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा आगे देख लेना है। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा पंजीकृत फार्म आपको कब फिलिप करना होगा, कब फार्म भराएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पंजीकृत फार्म 2024 मई 2024 में उपलब्ध कराए जाएंगे और बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एमपी बोर्ड 10वीं पंजीकृत फार्म 2024 ऑनलाइन जारी किया और यहाँ पर छात्रों को एमपी बोर्ड 10वीं सप्लीमेंट्री आवेदन पर 2024 तय समय के भीतर भरना होगा। जैसे कि आपको 10 से 15 के बीच में भरना होगा, 10 दिन का ही समय मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो अगला आपको है, यहाँ पे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा पंजीकृत फॉर्म कैसे जमा करना होगा, कैसे भरना होगा, ये आपको बता दूँ कि यहाँ पर देख सकते हो अपने फ़ोन से भी आप भर सकते हो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं पूरक परीक्षा 2024 में उपस्थित होने के लिए। छात्रों को पंजीकृत फॉर्म भरना होगा आसान चरण है, जो कि आप पालन करते हुए आपको फॉर्म भर सकते हैं अपने फ़ोन से भी। अपने एमपीएमएस जो कि एमपीबीएससी है वो वेबसाइट पर जाना होगा। पूरक परीक्षा एडमिट कार्ड 2024 प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे क्या क्या करना होगा, मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपाधिकारी पर जाना होगा और होम पेज पर एक एमपी बोर्ड पूरक परीक्षा पंजीकृत के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक बार साइन अप करने के बाद आपकी नई यहाँ पर नई बनाई गई आईडी के पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको आवेदन पत्र और विषय चुनना होगा। आपको पाठ्यक्रमों की संख्या के आधार पर परीक्षा शुल्क जमा करना होगा और अपने रिकॉर्ड के फॉर्म प्रिंट आउट रख लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको आपको हो गया जैसे कि एक सब्जेक्ट में कितना आपको पैसे देना है, जो कि शुल्क होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर देख सकते हो जो उम्मीदवार 24
2024 में एमपी बोर्ड प्रमुख परीक्षा में के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक विषय के लिए शुल्क जमा करना होगा। उन्हें दो विषय के लिए ₹350 और चार विषयों के लिए ₹500 देना होगा। और इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। बाकी आपको किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये आपको यहाँ पर बताया गया है। बाकी आपको यहाँ पर इसको पढ़ लेना है, बहुत सरल है। बाकी इधर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको त्रुटि के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे बड़ी बात बता दूँ, यहाँ पर मैं ओल्ड वाला दिखा रहा हूँ। 17 जुलाई को आप कक्षा 12 का होने वाला है, यहाँ पे 2023 है, लेकिन आपको यहाँ पर 2024 मान लेना है। बाकी टाइमिंग यही होने वाला है, आपको समय भी यही होने वाला है। बाकी ये 2023 का है, भले ही 2024 इसके मान लेना, जो कि आपको डेट तो यही होने वाला है, आपको देख लेना है। बाकी आपको यहाँ पर पहला पेपर आपको कक्षा 10वीं का भी आपको 18 को होने वाला है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये रहा फाइनली बात। इसके बाद आपको शुल्क की बात रही, शुल्क आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, और यहाँ पर आपको शुल्क है, ये परीक्षा शुल्क आपको कितना कितना देना है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आपको हाई स्कूल 300-350 और यहाँ पर दो विषय के 350, चार विषय के 500 और चार से अधिक विषय के लिए 600 और जो परीक्षा जो फार्म भरेंगे उसके लिए ₹25। तो ये आपके लिए फाइनली पूरी डेट रही। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए।